দেখো, এভাবে কেমন এসছে, কেমন একটু লাগছে না, দেখতে চাই, কাইসে লাগ রায়, কেবিন ফরম্যাট নেই সুফিয়া ওদের। এন্ড অভিষেক হেয়ার না? Yes, ma'am. ওকে ওকে, সো আই স্পিক ইন হিন্দি অর ইংলিশ, ওকে ওকে, নো প্রবলেম। यहाँ पर देखो ये चीज कैसे लग रहा है, यहाँ पर लास्ट लास्ट नेम का स्पेलिंग भी भूल है, और ठीक करना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो जस्ट मैं एचटीएमएल में क्रिएट हुआ है, जस्ट कैसे लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे तरीके से दो तीन नाम जुड़ा हुआ तो कैसे लगेगा, कोई तुम्हारा बॉर्डर नहीं है, बॉक्स नहीं है, ऐसे तरीके से एक्चुअली ठीक नहीं है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन दर्पण, तुम कुछ साथ बोल रहे हो? नहीं नहीं ओके ओके ओके, अच्छा, ये हम बियर बियर टैग दे के भी तो बॉर्डर करा सकते हैं, तो उसमें बॉर्डर यस, हाँ कर सकते हो, बट बियर। तुमको तो टेबल बॉर्डर तो देना ही होगा ना, अदरवाइज वो टेबल के साइड में बॉर्डर कैसे आएगा? नहीं बॉर्डर नहीं, ब्रेक बियर टैग, बियर बी हाँ आर। वो तो ठीक है, ब्रेक टैग तुम यूज किए हो ठीक है, इस चीज के अंदर ब्रेक टैग लाइक प्रिया घोष, इस चीज के अंदर ब्रेक टैग यूज किए हो ये ठीक है, बट मैं बोल रही हूँ वो जो टेबल बॉर्डर है एक्चुअली वो तो यूज विद इन करना है एक्ट ना। बॉक्स से। ओके हाँ ओके, नेक्स्ट क्या करना होगा? फिर एक नाम दे रहे हो सर, सॉरी यार, पता नहीं कौन कौन है, जस्ट ईमेल आईडी सपोज, क्लोज द टैग एंड आल्सो क्रिएट लाइक कुछ भी, ठीक है, थैंक यू। फिर ये चीज को एक बार रन करो, जस्ट कितना है पैसा है, जस्ट ये देखो, बट यहाँ पर मैं जब टेबल बॉर्डर ऐड करूंगी वो कैसा होगा, जस्ट छोटा सा सीएसएस, मैं फर्स्टली बोला था सीएसएस के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट स्टाइल क्या है, कौन कौन सा चीज है, टेबल टेबल यूज किया है, टीएच एंड टीडी है, टेबल टीएच एंड टीडी, टैग को जो नाम है वो दे देना पड़ेगा जो यस टैग यस, यूज कर। लाइक बॉर्डर क्या क्या है, सपोज बॉर्डर ले रही हूँ 1px, कलर दे रही हूँ सॉलिड ब्लैक, ओके, एंड टेबल के अंदर जस्ट टेबल स्टाइल ऐड कर रही हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू सपोज विथ करी विथ फिफ्टी 100%, व्हाट इज द पीएक्स मींस इन द बॉर्डर?
रेंच एक्चुअली पिक्सल का जो रेंच होता है ना रेंच, देखो मैं विड्थ इतना बड़ा दिया पूरा पेज को कवर कर लिया, बट एक चीज देखो यहाँ पर बॉर्डर देने के बाद ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो ये चीज जस्ट विड्थ को थोड़ा कम कर दो, क्या हो लाइक 50 कर दो, इसलिए मैं हाइट नहीं यूज किया, हाइट ऑल्सो भी यूज होगा लाइक ठीक है, जस्ट दो दो ही चीज डाला हुआ इसलिए मैं हाइट नहीं यूज किया, हाइट ऑल्सो भी यूज ओके ओके। एनी डाउट डेटा साइंस टीम? अच्छा मैम वो जो आपने पीएक्स यूज किए वहाँ पर हम परसेंटेज भी यूज कर सकते थे क्या, 10% ऐसे जब वाइड्स के तरह आप किए यहाँ पर 50%? यस 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 यू भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर मैं 50 पीएक्स भी लिख सकते हैं ठीक है। अब पीएक्स का पूरा नाम कुछ है पिक्सल वगैरह कुछ मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर? हम एक्चुअली पीएक्स को तो रेंज को बोला जाता है लाइक पिक्सल तो डेप्थ ये है एक यूनिट ठीक है, तो तुम्हारा सीएसएस का एक यूनिट है जो सीएसएस में स्टाइल वगैरह डाल रहे हो सबका एक यूनिट होता है ना, तो वो पीएक्स एक्चुअली यूज फॉर यूनिट एक्चुअली, सपोज तुम पिक्सल का सपोज एक इमेज डाल रहे हो इमेज का हाइट दे रहे हो एंड विड्थ दे रहे हो उनका शायद लिख रहे हो 50 पीएक्स, तो पीएक्स को एक्चुअली यूनिट बोला जाता है ठीक है। ठीक है ठीक है ओके 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 मैम गॉट इट। एनी क्वेश्चन? नो डेटा साइंस टीम? नो टिल नाउ इट्स क्लियर। ओके वी आर क्लियर ना, आई थिंक हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभिषेक एंड सुप्रिया को भी शायद पता है तो नेक्स्ट क्या अभिषेक कुछ बोल रहे हो क्या? मैं समझ में आ गया बोला। ओ गुड ओके सो डेटा साइंस टीम मेनली तो तुम लोग को पता है लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? नो पता नहीं। यू नो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? नो डोंट नो। ओके मैं ये कोड को अलग देख ले रही हूँ। एक्चुअली तुम लोग को भी प्रैक्टिस करना होगा अदरवाइज समझ में नहीं। लिस्ट में तो एलआई टैग यूज है ना? अच्छा मैम मैम इसको तो आप कमेंट कर दी कमेंट एंड वेटिंग लिस्ट भी हो सकता है। हाँ बोलो प्रिया। बट मैं यहाँ पर जस्ट लिस्ट क्रिएट करूंगी एक्चुअली टीएल जो तुम टेबल जो वो भी नहीं जस्ट लिस्ट का नाम यूज कराएंगे ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट ये भी देखेंगे जस्ट। हाँ चंद्रशेखर शायद कुछ बोल रहे हैं कमेंट करके वो भी चलेगा वो कोई बात नहीं है, फिर कोड भी हटा देंगे वो भी चलेगा फिर हम कोड देख सकते थे। अच्छा ठीक है मैम कीजिए कोई बात नहीं। मैं ये जो कोड कर रही हूँ तुम लोग का जो ग्रुप है मैं उसको जिप फाइल करके तुम लोग को भेज दूंगी ठीक है। ओके मैम इसलिए बोल रहे थे। ठीक है ओके तो
लिस्ट के अंदर दो दो चीज होता है, लाइक एक अनऑर्डर लिस्ट भी होता है और एक ऑर्डर लिस्ट भी होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, एक ही तरीके से क्रिएट होता है। लाइक लिस्ट के अंदर सपोज हम लोग यूज करेंगे यूएल, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ओके। एंड लिस्ट के लिए हम लोग एल आई टैग यूज करेंगे। सपोज जस्ट क्या लिस्ट करोगे, सपोज तुम लोग का नाम ही डाल रहे हो, कितना बड़ा नाम, यहाँ पर कोई इंटेंडेशन का कोई मैटर है, हम लोग इंटेंडेशन मतलब स्पेसिंग का कोई ऐसा कोई मतलब है कि ये नहीं होगा तो गलत होगा, ऐसा में हम लोग पाइथन में है ना? नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स इंटेंडेशन मतलब पाइथन का चीज मत पूछो, मैं पाइथन नहीं जानती, ठीक है, मेरे पाइथन का है तो इसलिए ध्यान देना है क्या, पाइथन का एक भी आइडिया मेरे पास नहीं है। अच्छा मैम, इसलिए बोल रहे थे कि आप टेबल में जब वो कलर ले लिए थे ना, तो टेबल के बाद में स्पेस देकर वो जो बॉर्डर लिखा था, इसलिए बोल रहे हैं हम इंडियन डिशन कहते हैं मतलब स्पेसिंग। अच्छा ओके थैंक यू, मेरे को भी एक न्यू चीज, तुम लोग को बस मेरे को भी जाना होगा पाइथन सीखने के लिए। ओके देखो लिस्ट तरीके से क्रिएट हो गया, ठीक है, इसको बोला जाता है लिस्ट एक्चुअली, और लिस्ट के लिए हम लोग एलआई टैग यूज करेंगे। लिस्ट में क्या 1 2 3 हो सकता है, नहीं सिर्फ बुलेट की यूज होता है? हाँ हाँ वो कोई बात नहीं, तुम यूज कर सकते हो। इसके लिए आगे देना पड़ेगा मतलब टॉर्पन के आगे 1 ट्रांसफर के आगे मैम उसको यूएल को ओएल कर दीजिए तो एक बार ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा वो हाँ हाँ वो वही कर दीजिए एक बार, इससे टॉर्पन का डाउट शायद सॉल्व हो जाए। ये तो है, ये ए बी, अगर मैं चाहूंगा कि ए बी सी ऐसा ए बी सी, तो तुम लोग को ऑयल टाइप ही कर दो, लाइक मैंने बहुत इसमें जो लिखा है ना ऑयल, जस्ट लिखना होगा ऑयल टाइप इक्वल्स टू चूज करना पड़ेगा। क्या लिखा यार, हुआ डाउट? या नहीं, मैं ओपन, या ठीक है, क्लियर है।
थैंक यू। तो HTML ब्लॉक में बहुत सारा टैग यूज होता है, लाइक जो मैं उस दिन बोल रहे थे ना, div टैग, span टैग, ठीक है, मतलब एड्रेस, फिर फुटर, जो चंद्रशेखर बोल रहे थे मैम फुटर ऐड कर देते, फुटर मेरा 3 घंटा लगा, तो हेडर फुटर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली तुम्हारा ब्लॉक टैग, ओके। अच्छा, ये हर चीज का एक एक करके एग्जांपल है। मतलब डीआईबी मतलब क्या है, सपोज जो मैं हेडिंग चीज बोल रहे थे, तो वहां पर सपोज तुम लिख रहे हो, ओके मैं दिखा दे रही हूं, लिस्ट अंदर ही कर रहा है, ठीक है, डीआईबी, डीआईबी, जस्ट एक पैराग्राफ ले रही हूँ लिस्ट। ये सॉलिड ब्लैक तो कलर है ना, yes. तो इसमें कोई सेपरेशन के लिए कॉमा और ऐसा भी जरूरत नहीं है? नो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून, बट जो हेडिंग यूज हो रहा है, मतलब हेडिंग सब लोग, सपोज हम लोग डीआईबी के जगह ईच वन देते तो क्या होता ना, हेलो स्टूडेंट्स पूरा साइज बड़ा होता, बट डीआईबी में क्या हुआ, डीआईबी में एक्चुअली जो डाल रहे वहाँ पर जो गुड आफ्टरनून का स्टाइल है डीआईबी में वही स्टाइल आया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है डीआईबी का? हाँ, डीआईबी का फंक्शन क्या है? पहले ये हुआ नहीं, और तुम्हारा मतलब डीआईबी, सपोज तुम डीआईबी क्लास ले रहे हो, ठीक है, वो जो चंद्रशेखर डिजाइन किया, सपोज डीआईबी क्लास इक्वल्स टू बटन ले रहे हो, तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहे हो, तो बटन का जो जो वैलिडेशन करोगे और जो सीएसएस डिजाइन करोगे ना, तो वहां पर डॉट क्लास लिख के वो तुम्हारा सीएसएस का डिजाइन देगो, सीएसएस का डिजाइन डालोगे वो हो जाएगा। वो डिविजन और सेक्शन के लिए यूज होता है ना?
नहीं हो रहा है ना डीआईवी रिप्लेसमेंट ऑफ एज मतलब हेडर हेडिंग का नो 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 डिफरेंस क्या है एज मतलब एच वन एच टू और डीआईवी का ये तो हेडिंग के हेडिंग के लिए यूज होता है दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ओ एंड माय क्वेश्चन इज व्हेन वी विल यूज डीआईवी सपोज तुम बहुत ज्यादा वेट वेट सपोज तुम एचटीएमएल में बहुत सारा कोड लिख रहे हो लाइक अच्छा नेम लिख रहे हो या फिर बॉडी के अंदर सपोज तुम्हारा बॉडी के अंदर लिख रहे हो जो एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो फॉर्म के अंदर रहेगा सपोज नेम रहेगा जेंडर रहेगा या फिर पासवर्ड रहेगा एंड सबमिट बटन भी रहेगा ठीक है अच्छा. तो वहां पर हम लोग नेम को पासवर्ड को एक अलग तरीके से डिवाइड करना चाहिए और जेंडर को भी एक अलग तरीके से डिवाइड करना चाहिए और मतलब एक कलर ऐड करना चाहिए और अच्छा. बटन को भी एक अलग तरीके से तो व्हेन देन एक्चुअली डीआईवी इज यूज्ड ओके नाउ क्लियर डीआईवी एक्चुअली डिवीजन के लिए यूज होता है सेम तरीका सेम टाइप का है लेकिन उसको अलग अलग डिवीजन में देखने के लिए जैसे एग्जांपल दिया समझ में आया ठीक है आया समझ में हाँ समझ में ठीक है मतलब ये काम नहीं कर रहा है ये तो क्वेश्चन है ओ सॉरी देखो ऐसे तरीके से ब्लॉक के अंदर स्पैन भी यूज होता है और एड्रेस बोल के जो वो भी यूज होता है ठीक है बहुत सारा ये चीज है एड्रेस डीआईवी का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ ओके तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ये ब्लॉक HTML क्लासेस के बारे में जानते हो रिया हाँ बोलो HTML क्लासेस के बारे में जानते हो HTML क्लासेस हाँ जानती तो हूँ एक्चुअली यहाँ पर भी वो तुम जो DIB deviation बोला है ना तो यहाँ पर वो चीज ही यूज हुआ है सपोज एक क्लास ले रहे हो मैं इस बॉडी के अंदर सपोज मैं लिख रही हूँ डीआईबी क्लास इक्वल्स टू सी चीज ओके तो हम लोग को क्या करना होगा सिटीज के अंदर हम लोग सपोज मैं कोलकाता लिख रही हूँ जो होगा हम लोग का हेडिंग एंड सपोज एक पैराग्राम में लिख रहे हो कोलकाता इज दैट ओके तो ये होगा एक एक सिटीज का ये तो फिर डीआईबी क्लास मेरा सिटीज है तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा मैं जो बोल रही थी डॉट क्लास लेकर उनको मतलब डॉट सिटीज लेकर उनको कलर ऐड करना होगा विड्थ ऐड करना होगा लाइक स्टाइल देना पड़ेगा तो दिस चीज के लिए हम लोग डीआईबी क्लास यूज करते हैं एक्चुअली डेविएशन के लिए राइट करके दिखाऊंगी डेटा साइंस टीम हाँ मैम हाँ एक बार प्लीज मैम एक बार तो बोलना चाहिए ना मैम दिखा मैं बोलने ही वाला था इसके बाद कंप्लीट के बाद ही बोलना ओके देखो
फर्स्ट मैं एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट करूंगी, ठीक है? सपोज डीआईबी का एक क्लास मिली है जिसका नाम है PPS. Okay. जस्ट एक पैराग्राफ डाल रही हूँ. क्या लिखूंगी बोलो, कोलकाता के बारे में बोलो. द सिटी ऑफ जॉय. वाह. तरपंदा बोलो, तरपंदा वहां कहीं है तो तरपंदा. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट. ओके, छोटा सा मैं डाल दिया, उनका कोई मार्जिन नहीं है, ऐसा दिखता है. Look like abbreviations. Okay. Next. DIB complete किया. मैम नीचे आपने एक बार लिखे चाहिए. DIB का ब्लॉक तक क्लोज आचे. फिर और एक डीआईबी ले रही हूँ जिसका नाम डीआईबी प्लस ऑल्सो फिजिक्स सिटी. अच्छा मैम, आप करना चाहते हो सिटीज के अंडर जो भी कलर होगा, टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा, सब वो कोलकाता और सिटी ऑफ जॉय में काम करेगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं, क्लास क्लास मतलब क्लास के अंदर वो काम करेगा. मैम ओवरलैप कोड गलत आ रही है, बोल बैन एक टू. क्लास के अंदर जो है सपोज सिटी, क्लास में क्या ले रहे हो, सिटीज, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एच वन और कोलकाता ले रहे हो और एक मैं सिटी ले रही हूँ सपोज जिसका नाम है लंदन, ठीक है? तो वो क्या करेगा, एक्चुअली डीआईबी का काम है डेविएशन करेगा, ठीक है? तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं क्लास सिटीज ले रहा हूँ, तो सिटीज लेकर हम लोग सीएसएस में स्टाइल डाल सकता है, ठीक है? यही है डीआईबी का एक्चुअली क्या बोलूं, हेल्प हो मतलब पर्पस भी जो. हाँ हाँ, पर्पस 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 है, एडवांटेज. यस, दिस इज द एडवांटेज ऑफ. डीआईबी कंप्लीट है, इसको फर्स्ट रन करके देखना होगा क्या आ रहा है. चलो क्या हुआ, फिर मैं कलर ऐड करूंगी सिर्फ. ओके, देखो डिवाइड करके आया, यही है डिवीजन क्लास. फिर तुम चाहते हो कि इसको कलर देना है तो तुम किस चीज को सिलेक्ट करना है, स्टाइल के अंदर और सिटीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है?
तो सिटीज को सिलेक्ट करके तुम्हारा ये सिटीज को सपोज ऐसा करके स्लाइड स्टाइल सपोज सिटीज सपोज नहीं है सिटीज होगा क्या करेंगे हम लोग बैकग्राउंड करेंगे ठीक है जो टेक्स्ट करा लिए हो ना लाइक तुम्हारा जो कोलकाता रहे है या फिर सिटी ऑफ जॉय जो टेक्स्ट है उनका कलर सपोज मार्जिन ले रही हूँ जस्ट एंड पैडिंग चलो रन करके देखेंगे पैडिंग मार्क तो की स्पेसिंग है ब्लैंक स्पेस नो देखो एक बार फिर मैं क्या बोल रहे पैडिंग मतलब इस ब्लैंक स्पेस है कितना स्पेस दूंगा ये जो स्पेस यूज हो रहा है ना अच्छा इस चीज के लिए पैडिंग यूज हो रहा है देखो आया है डेविएशन करके सो दिस इज द यूज ऑफ द डीआईवी प्लस डीआईवी आप क्लियर है पूरा ओके मैम पैडिंग क्या बाय डिफॉल्ट बॉटम में काम करता है हाँ कम करता है बाय डिफॉल्ट नहीं कम करता है बहुत सारा चीज में पैडिंग लगेगा लेकिन मैं मैंने देखा था वहाँ पर ऑप्शन में आ रहा था पैडिंग लेफ्ट पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम हाँ मतलब तुम बटन को पैडिंग दे रहे हो ठीक है तुमको राइट साइड में देना चाहते हो या फिर लेफ्ट साइड में देना चाहते हो वो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना दैट्स पॉइंट मतलब अगर सिर्फ पैडिंग दे तो बॉटम में ही काम करेगा यस 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 इंस्टेबल आईडी का क्या काम है पता है नो आईडी नो 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 डू यू नो मैंने यूज किए थे मतलब ऐसे जैसे सिटी का यूज किया ना मैम वैसे ही अगर डी इक्वल्स टू आईडी दिए तो वहाँ पर जो रिटर्न पैराग्राफ होगा वो उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह हमारे पीछे हो जाएगा यस एक ही काम है जी एक बार देखा देंगे मैम वहाँ पर क्लास की जगह आईडी कर दीजिए एक बार एक ही चीज है ओ देखो उसका कलर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा मैम आईडी तो वन एलिमेंट के लिए यूज होता है ना क्लास तो मोर देन वन के लिए यूज होता है हाँ
we actually difference hai, otherwise वन एलिमेंट मीन्स एक बार डिवाइड सिटीज में यूज हो गया मतलब अभी नेक्स्ट टाइम में आईडी यूज नहीं करता हूं नो ये सारे कोड में है ये कोई पार्ट में आईडी नहीं यूज करूंगा एक लिमिटर से समझ में नहीं आया तुम्हारा बात क्या बोल रहे हो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं ये जो कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है ये तो आईडी यूज है फिर से मैं लंदन जो को रहा था उसमें यूज नहीं कर पाऊंगा ठीक है वो कोई पर्टिकुलर कोड लिमिटेशन है इतना तक मैं आईडी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पिछले बार किया था ऐसा है या पूरा कोड में सिर्फ एक बार ही मैं आईडी यूज कर पाऊंगा ऐसा कुछ आईडी के बारे में रूल है क्या एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से क्लियर नहीं हुआ क्या इसका ओके ओके लेट इट क्लियर नो फर्स्ट क्लियर करो फिर मैं जाऊंगी सॉरी क्लियर करो क्वेश्चन क्लियर करो ना मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन नंबर सपोज अप टू 29 में ये मेरा खत्म हो गया ना हाँ ओके तो मैं इसमें एक बार आईडी यूज कर लिया लाइन नंबर 19 में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं फिर से सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाऊंगा तो मैं आईडी यूज कर पाऊंगा वो तो बोला है ना क्लासेस के लिए हम लोग क्लास बहुत बार यूज कर सकते हैं बट आईडी एक ही बार यूज करेंगे हम लोग अच्छा तरबंदा अगर आईडी हम दूसरे बार यूज कर सकते हैं तब उसको जो डॉट सिटीज किया है ना उसको भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो यूज कर सकते हो मतलब जो नाम दे रहे हो उनका अलग अलग देना चाहिए am I right Supriya yes ma'am देखे करना पड़ेगा हाँ हाँ ये डॉट नहीं होगा ये हैस होगा हैस होगा आईडी देने ओके अच्छा मैम आईडी के लिए हैस होता है और क्लास के लिए डॉट राइट ओके देखो HTML में जावास्क्रिप्ट भी होगी जावास्क्रिप्ट अलग तरीके से चंद्रशेखर आई थिंक आप मी मैम जावास्क्रिप्ट किस चीज के लिए यूज होता है हाँ हाँ मैम HTML यूज फॉर वेब पेजेस ठीक है एंड जावास्क्रिप्ट मेनली यूज फॉर वैलिडेशन समझ में आया मैम वैलिडेशन का मतलब क्या होता है मतलब हां मैम तो वेब पेज खोल के देखिए ना मैम ओके आप एक वेब पेज खोल के देख दीजिए ये जावास्क्रिप्ट यहां पर हो रहा है वो या बेहतर रहेगा आई थिंक अच्छा मैं बोल सकती हूं हेलो हाँ प्रिया मैम हेलो हाँ एक्चुअली बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है ठीक है एंड सीएसएस जो है उस वो एक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है उसके अंदर ब्रशअप के लिए वो काम होता है सीएसएस लेकिन बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है नो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ये ठीक है बट बूटस्ट्रैप मेनली यूज फॉर डिजाइन हाँ मतलब फ्रेमवर्क इज यूज फॉर डिजाइन लेकिन सीएसएस इज आल्सो यूज्ड फॉर डिजाइन दिस इज नॉट एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बूटस्ट्रैप इज आल्सो यूज्ड फॉर मोबाइल समथिंग तो
दूसरा था वो शायद फॉर्म वैलिडेशन था ना. देखो ये चीज सब ब्लॉक बैक मतलब खाली है ठीक है. मैं सपोज सेंड कर दे फॉर्म नहीं भर के तो क्या मैसेज शो कर रहा है प्लीज एंटर योर नेम दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन. सपोज मेरा नाम यहाँ पर डाल रही हूँ ईमेल एड्रेस भी दे रही हूँ जो कुछ भी हो तो वैलिडेशन में मुझे पुट करना है क्या क्या फिर जरूरी है मतलब स्टार मार्क करके जो सब लिखा था ना जिसको कंपलसरी फील्डिंग है. यस यस दिस इज कॉल्ड एक्चुअल. देखो सेंड कर रहे हो बट मेरे को वो क्या मैसेज दे रहे हैं ना प्लीज एंटर योर एड्रेस बिकॉज एंड एड्रेस फील्ड खाली है दिस चीज के लिए तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वैलिडेशन. अच्छा ओके ये शायद जावास्क्रिप्ट का प्रिंट स्टेटमेंट है जो ऐसे करके आ रहे हैं. तो ये वैलिडेशन पार्ट मतलब एचटीएमएल के ऊपर करता है मतलब एचटीएमएल के कंप्लीट होने के बाद वैलिडेशन मतलब जावास्क्रिप्ट लिख करता है. ये बोला जाता है तुम्हारा एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन ठीक है. जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए हम लोग को अलग तरीके से एक टैग के अंदर लिखना होगा लाइक यहाँ पर देखो मैं फंक्शन वैलिडेट फॉर्म बोल के लिखा हुआ है ये जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए कोड है बट तुम एचटीएमएल वैलिडेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर जस्ट रिक्वायर्ड डाल देगा ना तो वहाँ पर मैसेज शो करेगा प्लीज एंटर योर नेम प्लीज एंटर योर एड्रेस. ओके एक बात बताना चाहता हूँ मैं जो फॉर्म है कभी कभी फॉर्म में होता है कि ईमेल भी ऑप्शनल होता है तब ये हम लोग अगर फिक्स करना है क्या क्या हम लोग कंपलसरी करना है. हाँ ऑप्शनल ईमेल ऑप्शनल हो सकता है वो सपोज तुमको एक प्राइमरी ईमेल बोलेगा और सेकेंड ऑप्शन में रहेगा शायद सेकेंडरी ईमेल डालने के लिए मतलब अलग ईमेल है तो उसको डालने के लिए तो वो ऑप्शनल रहेगा बट जो प्राइमरी ईमेल है वो तो देना ही पड़ेगा ना. तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि ये मतलब करना ही पड़ेगा कंपलसरी है उसमें देना पड़ेगा जो कोडिंग है. यस ओके कंटिन्यू. तो हम लोग करेंगे क्या HTML वैलिडेशन. जस्ट एकदम बेसिक सा जेएस वैलिडेशन में दिखा रही हूँ. जेएस वैलिडेशन का बहुत सारा पार्ट है ठीक है.
एक बटन का वैलिडेशन ले रहे, ठीक है, सपोज एक बटन ले रहे, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन, ओके, सो वैलिडेशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो ये चीज लिखना होगा, सपोज ऑन क्लिक, जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट ई क्या बड़ा देना है या बाय मिस्टेक होगा, कैपिटल होगा, सपोज जस्ट डेमो, मैं पहले से बोल देता हूँ कि ये बहुत पार्ट है, ठीक है, जस्ट तुम लोग को मैं देखने के लिए जस्ट ये कर रहा हूँ, एक चीज डॉट इनर HTML क्या करेगा, डेट को करेगा, इनर HTML एक्चुअली यूज फॉर डिस्प्ले, यूज फॉर डिस्प्ले द पेज, ओके, ठीक है सुप्रिया, शायद यही बोला था तुम लोग को, ओके, बटन टैप, चलो सेव करके देखना चाहिए क्या होगा, सॉरी बटन का मैं नाम नहीं दिया, वेट, जस्ट यहाँ पर लिखूंगी क्लिक लिंक, क्लिक हियर, सॉरी पीआईडी को मैं डिफाइन नहीं किया, दैट्स व्हाई आई सेड PID equals to demo. मैम आपका आउटपुट आउटपुट का पेज शो कर रहा है, आउटपुट का पेज शो कर रहा है, यस मैम, ओके ओके, थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम, तो बाकी लोग नहीं देख रहे हो क्या? हाँ देख रहे हैं, लेकिन नंबर सो जाएगा कि सही बोले जाते हैं समझने के लिए, आप
आज का डेट तो किया तुम लोग को फॉर्म वैलिडेशन भी दिखाया तो वैलिडेशन का बहुत पार्ट है मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी अदरवाइज फाइल पाथ तो तुम लोग जानते हो कैसे लेना है मतलब मैं उस तुम लोग को जो इमेज उस दिन दिखा रहे थे इमेज SLC equals to इमेज by इमेज का नेम हाँ वो पता है तो वही है एक्चुअली फाइल पाथ अच्छा मैम अगर हम HTML सीख ले उसके बाद तो जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा तुम लोग को लागेगा तो सीखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा सब कुछ सीख जाओगे दो महीने हुए हाँ इतना सीखोगे तो क्या है नहीं मतलब अगर बोलेगा तो ऐसा बोल भी सकते कि एक काम करो तुम जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दो तब बोलेगा सीखूंगा टाइम दो फिर हमको फिर भी मैम को बाद में सिखाना पड़ेगा और बोलूंगा डेटा साइंस बाद में सीखूंगा आप हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया कोई वेब पेज में तो वो क्या डाटाबेस में चला जाएगा अगर अगर मैंने एक फॉर्म बनाया उसके बाद फॉर्म का जो डाटा टाइप किया उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया विदाउट जावास्क्रिप्ट वो डाटाबेस में चला जाता है या फिर जावास्क्रिप्ट लगेगा ही लगेगा एक फॉर्म बनाया जैसे आपने फॉर्म बनाया तो वो जो फॉर्म का जो डाटा है वो क्या मेरा सर्वर में चला जाएगा या फिर जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा काम तो यही करना पड़ेगा ना अगर मैंने HTML का पेज बना दिया और बोलू किसी और को मैं बोला तुम एक काम करो तुम जावास्क्रिप्ट लगा लेना ऐसा तो नहीं होगा ना नहीं जावास्क्रिप्ट देखो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे तुम सपोज पीसीएस में ज्वाइन करने के पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया फिर एग्जाम देने के लिए आई डोंट नो एक्चुअली जस्ट हाँ तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के टाइम सपोज तुम एक फिल नहीं भर रहे हो ठीक है तो क्या शो कर रहे थे दिस फील्ड इज प्रिपेयर्ड एक्चुअली वो फील्ड तुम लोग को भरना पड़ेगा अदरवाइज फॉर्म सबमिशन नहीं होगा अच्छा मैम वो अगर और एक HTML पेज वहां पर ऐड कर दे तो ऐसे नहीं होगा जावास्क्रिप्ट ही चाहिए मतलब और एक HTML पेज ऐड करने कहां ऐड करोगे तुम मतलब उसके ऐसा होता है ना हम HTML पेज में गए और कहां पर क्लिक किए वो अलग एक पेज में रीडायरेक्ट दिस इज कॉल्ड वेब पेज कनेक्शन उसके साथ जावास्क्रिप्ट का कनेक्शन कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है हाँ मतलब दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वेब पेज कनेक्शन फिर तो रिकमेंडेड ही हो गया मैम सीखना ही पड़ेगा वो तो मेरे को तो पता नहीं मेरे को तो जस्ट बोला गया है HTML सीखने का तो मैं HTML ठीक है ठीक है ठीक है मेरा डाउट था इसलिए पूछ ले ओके चंद्रशेखर जो तुम मेरे को दिखा रहे थे तो तुम फुटर टैग यूज किए थे वो पर हाँ मैम फुटर टैग यूज किए थे मतलब वहाँ किए थे हाँ किए थे मैम किए थे लास्ट में किए थे हाँ तो HTML लेआउट मतलब क्या है पता है HTML लेआउट मतलब एक हेडर रहेगा ठीक है बॉडी रहेगा और तुम्हारा एक साइड हेडर रहेगा फिर नैप हेडर रहेगा फिर सेक्शन रहेगा आर्टिकल रहेगा फुटर रहेगा ऐसे तरीके से हम लोग लेआउट क्रिएट करते हैं सपोज तुम एक वेब सपोज एक वेब एप्लीकेशन वेट मैं मेरा साइट का एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को एग्जांपल दिखाएगा तो अच्छा होगा देखो
दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लेआउट ओके हाँ मैम ये पूरा फुटर का है ना वो जो व्हाट्सएप आस उसका उसका नीचे दिस इज द फुटर ओके ओके टॉप से बोलिए ना दिस इज द हेडर ओके दिस इज द नेव हेडर ओके एनएवी एनएवी हां हां यहां पर आर्टिकल शो कर रहा है तो बॉडी सेक्शन में आर्टिकल शो करेगा ठीक है ओके तो बॉडी सेक्शन में बहुत सारा सेक्शन होता है लाइक Wait. This is called actually section. यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा पेज आएगा फिर हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं This is called actually section. Okay. This is the body part. और सर यहाँ पर ऐसा है मतलब आर्टिकल है बहुत सारा जो पेज दिखाएंगे उसका आर्टिकल रहेगा वो जो साइड वाला आपने किया ये ये क्या साइड बार क्या वैसा कोई टैग होता है मतलब जैसे हेडर होता है फुटर होता है स्क्रॉल बार बन रहा क्या नहीं नहीं ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना जो है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट लिखा हुआ है नाम क्या है ये बोलना चाहते हो तुम उसका नाम क्या बोलते हैं अब इसको कैसे बनाया मैम ये जो लेफ्ट वाला हेडिंग था ओ मैं बहुत कुछ यूज किया यहां पर बूटस्ट्रैप है बहुत कुछ है ठीक है अच्छा तो सेक्शन का अंदर नेव लेना होगा तुम लोग जो एचटीएमएल में कर सकते हो तो आ जाएगा और मैम एक बार साइन अप का वो जो पेज है ना साइन इन का एक बार वो ओपन कीजिए ना इस पेज हाँ 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 साइन इन का जो पेज होता है हाँ मैम मैम इसका अंदर जो ये नहीं था ना ये कैसे घुसाया आपने इसका अंदर मतलब बहुत कुछ जानना पड़ेगा नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा ओके सो दिस इज द लेआउट लेआउट मतलब थोड़ा सा आइडिया हुआ ना लेआउट क्या होता है ठीक है लेआउट का मतलब अंदर में मिडिल में हेडर नेव हेडर आर्टिकल एंड फुटर यही रहता है ठीक है नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है वो एचटीएमएल का एक पार्ट था मैं तुम लोग को जस्ट बोल दिया क्या ये पार्ट है दैट्स इट अदरवाइज कोई बात नहीं है तुम लोग अभी ये एक्चुअली तुम लोग जब प्रोजेक्ट करोगे तो उस टाइम लगेगा शायद मेरे को पता नहीं है तुम लोग को प्रोजेक्ट क्या है तो हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म्स एक्चुअली तुम लोग का बेसिक पार्ट ना आज ही कवर हो जाएगा बेसिक मतलब और कुछ भी नहीं है एचटीएमएल में ओ शायद है मीडिया कैसे और वीडियो कैसे अपलोड करेंगे ऑडियो कैसे अपलोड करेंगे प्लग कैसे करेंगे यूट्यूब वीडियो कैसे अपलोड करेंगे दैट्स पार्ट और मैम एक पेज पेज से यूजर के थ्रू हम कैसे इनपुट लेंगे वो थोड़ा दिखा दीजिए ना वही दिखाएंगे फॉर्म क्रिएट करने के बाद फॉर्म क्रिएट करने दो बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे फॉर्म क्रिएट करेंगे तो यही है हम लोग का मोटो तो क्या करना होगा जस्ट एक हेडिंग डाल रही हूँ एचटीएमएल फॉर्म्स ओके तो
हम लोग को फॉर्म टैग देना। फिर हम लोग क्या लेंगे टेबल, ये फॉर्म टैग के अंदर में टेबल होना चाहिए ना, फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, फॉर्म टैग के अंदर ही होगा, मेरा गलत हो गया। टेबल के अंदर हम लोग तुम लोग को दिखाया है हाउ टू क्रिएट अ टेबल, सो हम लोग लेंगे यहाँ पर टी आर, फिर लेंगे टी डी, फिर क्या करेंगे फिर ब्री सपोज नेम, ओके सीरीज लॉग से सीरीज स्टार्ट हो, ये बी क्या था नेम जा बैक बैक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू इनपुट टैग क्लोज्ड टीडी क्लोज्ड टीआर क्लोज्ड। नेक्स्ट क्या है फिर टीडी शुरू करेंगे टीडी मैम बी टैग किस लिए यूज किया है यहाँ पर ब्रेक नेम इमन मैम बी टेक तो बोल्ड के लिए यूज होता है ना क्या ब्रेक बी आर होगा शायद ब्रेक तो बी आर होगा मैम बी टेक बोल्ड के लिए यूज होता है बोल्ड बोल्ड हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ ओके टीडी इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू ओके और इसके बाद एक टीडी क्लोज करें टीडी क्लोज करें टीआर भी क्लोज करें ठीक है फिर टीआर टीडी बी पासवर्ड TD input type equals to password name equals to password TD closed and TR closed
स्टार्ट TD input by custom submit value equals to submit ठीक है इनपुट टैब क्लोज टीडी क्लोज फिर पीआर क्लोज सॉरी रन दिस पेज यहाँ पर इनपुट फिल किया ना टेक्स्ट फिर पासवर्ड फिर सबमिट कर दे सबमिट करने के बाद कहाँ जा रहा है बोलो हम सर्वर में बिकॉज दूसरा पेज ढूंढ नहीं पा रहा है दैट्स व्हाई सर्वर में चला जा रहा है ठीक है एनी क्वेश्चन मैम वहां पर जाइए कोड में ये जो टाइप इक्वल्स टू सबमिट किए और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट अगर वहां पर भी इनपुट लिए टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखे नेम यहां पर नेम लिखे यहां पर वैल्यू क्यों हुआ वैल्यू मतलब क्या है तुम यहाँ पर सेव लिखोगे ठीक है ये तो वैल्यू दे रहा है ना ये नेम किस चीज का यहाँ पर तुम नेम नहीं यूज कर सकते हो अभी एचटीएमएल के लिए ये एक्चुअली बैकएंड कनेक्शन के लिए यूज होता है अभी तुम नहीं यूज कर सकते हो ये तुम्हारा मन मर्जी है इनपुट टाइप को तो टेक लिख भी चलेगा ठीक है तो बट वैल्यू को तो सबमिट यहाँ पर भी सेव भी लिख सकते हो तो वो सबमिट करने के लिए वो जो चीज आ रहा है लाइक यहाँ पर देखो सबमिट बोलता है यहाँ पर सेव लोगों से सेव आएगा हेलो हाँ बोलो एक्चुअली मेरा नेट चला गया था मोबाइल से कनेक्ट था मैं फिर से कोड को फिर से दिखाएंगे देखो कौन बोल रहा था कौन मेरा क्वेश्चन चंद्रशेखर ने किया था तर्पण दा का फिर कोई क्वेश्चन होगा मैम देखिए चंद्रशेखर क्लियर हुआ मैम एक काम कीजिए ना ये जो कॉपी जो कोड लिखे आपने ये नोटपैड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट करके आप जिप फाइल में ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना बहुत अच्छा मैं पूरा ये जो तुम लोग का सेशन है लाइक एचटीएमएल बोल के मैं जो प्रोजेक्ट किया हुआ है मैं उसको तुम लोग को सेंड कर दूंगा ओके ओके अच्छा मैम ठीक है समझ में आया उसको साइड कर सकते हैं क्या उसको एक साइड में मैं सीएसएस यूज करना पड़ेगा मैं अभी सीएसएस नहीं यूज करेंगे तो बहुत सारा कोड करना पड़ेगा ये कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है शायद हेलो हाँ बोलो मैं शायद उस ग्रुप में नहीं हूँ संजीता बोल रही हूँ तो कोई भी अगर आपको को कोई किसी को भी मिल जाए ना वो मैम जो भेजेंगे तो प्लीज मुझे ये नंबर पे एक बार टेक्स्ट कर देना क्योंकि मैं शायद उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ओके ओके नो इशू देखो मैम आज आपका क्लास है मैम आपका हेलो कौन सा क्लास
मतलब कि आपका कोई जावा का कोई क्लास है आज? नहीं। तो मैम ओके मैम, मेरा तो कोई क्लास नहीं है आज, शायद तुम लोग का क्लास है, कल है मेरा क्लास। ओके मैम, मैं जस्ट देख रही हूँ हो रहा है और नहीं हो रहा है, आज नहीं होगा। ताई मैम, आप यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन यूज करने वाले हो? यहाँ पर आप टेक्स्ट अलाइन यूज करने वाले हो? टेक्स्ट अलाइन क्यों यूज करेंगे? टेक्स्ट को तो मैं, हाँ टेक्स्ट अलाइन यूज करने के भी चलेगा एक्चुअली। अच्छा मैम, जो चंद्रशेखर ने जो बोला है, मतलब कि जो सबमिट जो ये है वो टैग, मतलब जो सबमिट जो पोर्शन है वो मिडिल में लाने के लिए, देखो हाँ चंद्रशेखर, जब मैं जब सीएसएस ऐड करके दिखा दूंगी तुम लोग को शायद हो जाएगा। हाँ मैम एक बार कर दीजिए, थोड़ा बहुत कर दिखा दीजिए ना। मार्जिन सपोर्ट दे रही हो अभी के लिए बस। चलो देखता है काम करे नहीं करे। अच्छा मैम, आपने डॉट लिए हो तो मैम वहाँ पर की डीप टैग ऐड किए? ये कोई बात नहीं है, तुम स्टाइल यूज कर रहे हो ना तो डीप टैग ऐड करो या ना करो, तुम लोग को डॉट ही लेना होगा। तो फिर मैम डायरेक्टली डॉट बटन से काम कर जाएगा वो क्या? मतलब डॉट बॉटम बटन नहीं हो तो डायरेक्टली बॉटम टैब में ही काम करेगा राइट? ओके 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 मैम, बट ये काम नहीं कर रहा है तो पता नहीं मेरे को। मैम वहाँ पे क्लास आप नहीं ले हो तो नहीं करेंगे? हाँ बोलो तो, और इनपुट क्लास लेना होगा ना ये? सॉरी नहीं तो इनपुट टाइप ये चीज बोल रहे हो ना? नहीं मैम, आप जो डॉट बटन लिए हो वो तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है नीचे में क्लास, डीप क्लास के कुछ में डिक्लेयर नहीं है तो वो नहीं ले रहा। या फिर टाइप लो जो है दिया भी लेके देखो हो रहा है और नहीं हो रहा, जस्ट ले रही हूँ मैं। ओहो गलत किया, वेट 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 वेट, मैं बटन तो नहीं लिए हो तो मैं क्यों बटन यहाँ पर दिख रहा है? ये चीज बोलो मेरे को, मैं सबमिट लिए हूँ वहाँ पर।
देखना होगा कम करेगा नहीं लगा मैम वो डॉट तो क्लास में यूज होता है क्लास होता है ना ओके कोई बात नहीं क्लास क्रिएट कर देंगे सुप्रिया एक चीज बताओ तो मैं जो यहाँ पर सबमिट इनलाइन ले रही हूँ ना यहाँ पर साइज साइज क्लियर करके वो मिडिल में वो हो सकता है क्या अगर तुम इनपुट क्लास इक्वल टू बटन फिर टाइप सबमिट लोगी तो हो जाएगा बोलो तो क्या रिपीट है इनपुट इनपुट क्लास इक्वल टू बटन देन टाइप सबमिट देन वैल्यू ओके ओके और क्लास का नाम भी बटन कर देना फिर हो जाएगा हाँ क्लास का नाम भी बटन कर दिया वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट एंड टाइप टाइप हाँ टाइप इक्वल टू सबमिट देन वैल्यू ठीक है हाँ ठीक है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा नहीं एचटीएमएल का यही दिक्कत है अगर कोई एरर आ रहा है तो बोलता है नहीं ये जैसे अदर लैंग्वेज बोलते देता है कि यहाँ पर एरर है वहाँ पर शायद एरर आ रहा है वो वहाँ पर एक लाल कर्सर करके कुछ दिखा रहा है मैं ब्लू करके आई थिंक पासवर्ड की पी ए एस एस होने के लिए वो कोई बात नहीं वो जस्ट लिखा हुआ है ओके यार वो तो स्ट्रिंग करा होता है नहीं सरपंडा पाइथन नॉइ আবার পাইথনের সাথে যাবার তুলনা করছিস তোরা না সাবমিট বাটন নিচ্ছে না দীপিশা নিচ্ছে না আউট করতে পারছে না তো আচ্ছা ম্যাম আপনি ক্লাসটা তো এখানেই নিলেন একটা ডিপ ট্যাগ নিয়ে নিতে হতো না ডিপ ট্যাগ নিয়ে করা যাবে সেটা আমিও জানি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ওটা মানে ইয়ের মধ্যে করতে চাইছি না এখানে ডিপ ট্যাগ নিতে বলছো হ্যাঁ এখানে যদি একটা ডিপ ট্যাগ নিয়ে হয় তারপর যদি কাজ করে দেখুন একবার না হলে না তোমার করছিল না আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ বলো সুপ্রিয়া ম্যাম স্মাইল মে ইনপুট স্কোয়ার ওয়ার্কার के अंदर टाइप इक्वल टू सबमिट लेके क्या एक चीज रुको तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगी बस रुको पता नहीं होगा और नहीं होगा ट्राई करूंगी एक बार ओपी दादी ये क्लास कितने तक चलेगा मैं तर्पण बोल रहा हूँ
हाँ ये भी शायद काम कर सकता है, सिर्फ अलाइन सैंपल लेना चाहिए। अभी से हो जाएगा क्यों, कोई क्लास है? हाँ हाँ अभी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। कुछ चेंज करूंगी थोड़ा। इक्लिप्स कुछ है? हाँ इक्लिप्स नेम इतना होगा जो ले रही हूँ शायद। तो वैलिडेशन के लिए वैल्यू सामने अंकित करने आ रहा है। बोलो करके तब छोड़ूंगी मैं स्टाइल दे रही हूँ सपोज जो है साढ़े चार बजे से खत्म हो जाएगा। ठीक है जो मेरे को पूछ रहे थे। हाँ ओके 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 ये भी क्लास इज कंप्लीट एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू सनी हटाओ। मैम सेंटर के बाद एक समीकरण दीजिए ना, वो जो डबल क्वेश्चन डबल कोट कंप्लीट हुआ है ऊपर 41 लाइन पे टेस्ट लाइन वो पर सेमीकोलन नहीं होगा ना। सेंटर के बाद सेमीकोलन नहीं होगा। अच्छा ठीक है देखूंगी देखा ये देखता है काम कर रहे हैं ना। जस्ट टू इट पता नहीं नहीं सेम है। क्या चंद्रशेखर बोल रहे सेंटर के बाद एक सेमीकोलन होगा? हाँ मैं पर सेंटर के बाद होगा एक सेमीकोलन होगा मैम। काम करेगा कि ना पता नहीं लेकिन सेमीकोलन होगा मैम फॉर्मेट में। तो चाटे की खुल सुप्रिया मैं यूज किया ये बट नहीं हुआ तो। अच्छा मैम इसमें अगर पैडिंग कर दे तो कुछ मैम स्टाइल पे उसके ऊपर नहीं समझ सकते। अच्छा मैम अगर पैडिंग कर दे तो कुछ होगा सबमिट? पैडिंग मतलब वो डीए होगा वो कुछ नहीं होगा। वेट मैं कर दो तो कोई बात नहीं। वेट जस्ट मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुए। घर पे कोशिश कर रहे थे वहां नहीं।
कुछ बोल रहे हैं।